Assalamualaikum and welcome back to the brand new video. यार ये वीडियो जो थी मैंने काफी दिनों बाद बनानी थी, कह लो कि ये फ्रेम जो था हमारे पास ये मैंने काफी दिनों बाद लेके आया था, बट कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आज हम लेके आए और ये फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे भी है। काफी अरसे से मैं भी सोचा करता था कि यार ऐसा कुछ हो मेरे साथ भी, बट काफी ऐसे सीनियर था, लेकिन रिसेंटली जो था मुझे जो है मैसेजेस आना शुरू हुए थे और फिर मेरी बात चलती रही थी और फाइनली हमारे पास आ चुका है हमारा फर्स्ट गेमिंग कीबोर्ड। यस गाइस, फाइनली हमारे पास आ चुका है हमारा फर्स्ट स्पॉन्सरशिप और ये जो है हमारे पास गेमिंग कीबोर्ड है, हमारे पास KUYIN T6 नाम है इसका, ठीक है। कीबोर्ड भी है, माउस भी, और साथ में माउस पैड भी है, बिल्कुल फ्री। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूँ कि ये आपको मिलेगा banggood.com से। वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिलती है और काफ़ी बेस्ट प्राइसेस मिलती है। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अनबॉक्सिंग की वीडियो के देखने के बाद वो जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकता है। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा जो सारा सेटअप है तो वो अनबॉक्स हो चुका है और स्टार्ट करते हैं हम अपने माउस से, जो कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी जो है गेमिंग माउस है और काफ़ी जो फील दे रहा है गेमिंग वाली वो काफ़ी अच्छी फील दे रहा है। अगर आप देखें तो इसके अंदर जो RGB इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है और बीच में एक DPI का बटन दिया गया है जो कि आपको ईजीली नज़र भी आ रहा है और जिसके ऊपर पैटर्न बना हुआ है ये वाला, तो ये भी काफ़ी मज़े का और स्कल सा बना हुआ है यहाँ पे, एंड फिर लोगो जो है इधर का वो बना हुआ है KUYIN किया और यहाँ पे जो है ब्रांडिंग भी दी गई है, तो काफ़ी जो है अपनी साइड से मज़े का है। और साथ साथ में इसके जो माउस के बटन्स की बात करी जाए तो 1, 2, 3 एंड ये DPI का 4, 5, 6 साइड में दो बटन है, तो काफ़ी जो है 6 बटन है इसमें। और जो बात कर लीजिए इसके यूज़ की तो यूज़ भी काफ़ी अच्छा है अपनी जगह पर, और हैंड ग्रिप जो है इसमें वो काफ़ी बेहतरीन किस्म की हैंड ग्रिप दी गई है। ओवरऑल गेमिंग माउस की बात की जाए तो जो इसके अंदर स्क्रॉल का बटन है, स्क्रॉल का बटन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और साथ साथ में अगर नॉर्मल यूज़ की बात करी जाए या गेमिंग की बात करी जाए तो गेमिंग में तो अलग ही बात है, यानी कि अगर आप इसकी सेटिंग वगैरह करके देखते हो, गेम खेलते हो, तो जो मज़ा है वो अपनी जगह है, लेकिन जो इसकी स्मूथनेस है वो काफ़ी बेहतरीन है। एंड नेक्स्ट द गेम विनिंग वेपन, रियली गाइज ये जो होता है गेमिंग माउस वो बेस्ट होता है एक गेमर के लिए, क्योंकि विदाउट गेमिंग माउस ही कैन नॉट यूज़ एनी माउस। कि जितना भी बेहतरीन माउस हो उसके पास, जब तक कि उसके पास एक अच्छा गेमिंग माउस या माउस मैट नहीं होगा तब तक वो अपनी गेम जो स्मूथ नहीं चला सकेगा। तो यहाँ पे जो माउस मैट है ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है हमें इस कॉम्बो के साथ, तो इसकी जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ जो कि हमारे पास है KUYIN की ही तरफ से। सो बेसिकली ये एक मैकेनिकल फील कीबोर्ड है, वाटरप्रूफ कीबोर्ड है, और साथ साथ में देख लिया जाए तो इसके अंदर अलग जो हमारे पास रेनबो इफेक्ट आया हुआ है वो ऑन ऑफ का भी हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो इसको ऑन करें या ऑफ करें अपनी मर्जी से। तो जो फील देता है, गेमिंग एक्सपीरियंस देता है वो काफ़ी अच्छी है, जो मैकेनिकल फील देता है मैकेनिकल फील भी देता है, साथ साथ में मैकेनिकल जो है लुक भी प्रोवाइड करता है। जो स्पेस है दोनों कीज़ के दरमियान, की और कीबोर्ड के दरमियान में, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो लाइट्स लगी हुई है, RGB इफेक्ट है इसमें, RGB है, रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू है, तो ये जो 3 कलर्स हैं इसका कॉम्बो बनाने के बाद यहाँ पे हमें कुछ और भी कलर्स मिल रहे हैं ऊपर वाली साइड पे, ऑरेंज, पिंक एंड यहाँ पे येलो इसका कलर हमें जो प्रोवाइड दिया गया है, तो जो हमें ओवरऑल कीबोर्ड का यहाँ से नज़र आ जाता है तो वो काफ़ी अच्छा है। और साथ में जो है हमें डिफरेंट किस्म के फंक्शंस दिए गए हैं। साउंड टेस्ट की बात के लिए तो आप सुन लें यहाँ से विदाउट एनी एडिटिंग, ये जो है वॉइस हमारे पास आ रही है तो मैं थोड़ी देर खामोश हो जाता हूँ, आप इसका जो है वॉइस जो है साउंड सुन लें।
वन मोर थिंग गाइज, रिलेटेड टू स्पेस बार, जो डिफरेंट कीबोर्ड्स आते हैं हमारे पास उनके अंदर जो की स्पेस बार होती है वो साइड से प्रेस करने पे प्रेस नहीं होती, बट इस कीबोर्ड के अंदर हमें दिए गए हैं डबल डबल स्प्रिंग्स, जिनकी वजह से हमारा जो स्पेस बार है अगर आप हल्का सा भी किसी भी कॉर्नर पर पुश करते हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा रहता है, और ख़ासतौर पर गेमिंग के दौरान जिधर हम हर एक्शन जो है जल्दी जल्दी ले रहे होते हैं तो उस दौरान हमें जो फील आ रही होती है गेमिंग वाली, तो वो काफ़ी बेहतरीन प्रोवाइड करता है। ख़ास तौर पे जो इसकी RGB कलर है वो एक सेटअप में एक नया सा जो है उसको चेहरा प्रोवाइड कर देता है। कीबोर्ड के अंदर भी हमें यहाँ पे जो है ब्रांडिंग दी गई है जो हर कीबोर्ड के ऑलमोस्ट ऊपर ही होती है, और जो कीबोर्ड की कीज है वो बैकलाइट है, मतलब कि उस तरह ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बट बैकलाइट जो है मैं हॉनिश बता रहा हूँ तो बैकलाइट जो है उतनी ब्राइट नहीं जितनी डिफरेंट कीबोर्ड्स में होती है, बट इस प्राइस टैग में अगर आपको ये जो है हमारे पास सॉरी कीबोर्ड वगैरह मिल रहा है, कीबोर्ड माउस एंड माउस पैड, तो ये काफ़ी बेहतरीन जो है चॉइस हमारे पास बन जाती है, और साथ साथ में इस कीबोर्ड को उतना ही बेहतरीन बनाने की कोशिश की लुक वाइज जितना कि इसके अंदर RGB वगैरह ऐड किया गया है। अगर आप देख लें सबसे पहले इधर विंडो वाले बटन पे, तो विंडो वाला बटन जो होता है हमारे पास दूसरा आता है जो लोगो बना होता है, बट हमारे पास इधर विन लिखा हुआ है। साथ साथ में हमारे पास जो एरो की है वो भी काफ़ी कस्टमाइज्ड एरो की है, हमारे पास नॉर्मल वाले एरो की नहीं, यानी कि इसको गेमिंग के लिए परफेक्ट बनाने के लिए इसमें डिफरेंट किस्म की ऐसी चीज़ें ऐड की कि जिसमें नॉर्मली हमें डिफरेंट कीबोर्ड्स वगैरह में नहीं देखने को मिलता। और जहाँ तक बात है टाइपिंग के दौरान की, तो हमें जो स्मूथनेस मिलती है इस कीबोर्ड की टाइपिंग की तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मतलब कि अगर आप टाइपिंग करें तो इशू नहीं आएगा, कोई कीबोर्ड प्रेस करते हुए कीबोर्ड का की कैप प्रेस करते हुए तो आपको मतलब वो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जहाँ तक बात है हल्का पुल्का भी अगर आप जस्ट टच करें तो आपका जो फंक्शन होता है CPU का वो आ जाता है, मतलब कि अगर आप जो है ज़्यादा प्रेस नहीं करते किसी बटन को तो आपका जो बटन है वो अपना काम करता रहेगा। वन लास्ट थिंग गाइस, इसके बैक साइड से बात करिए, इसके मटेरियल की बात करिए, तो ये प्लास्टिक का कीबोर्ड है, इसमें कहीं पे भी मेटल यूज़ नहीं किया गया। सो गाइस, मेरे लिहाज से देख लिया गया तो ये बजट में रहता है काफ़ी बेस्ट जो है हमारे पास ये गेमिंग कीबोर्ड या कॉम्बो कह लो ये आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में इस प्राइस रेंज में हमें ऐसे कॉम्बोज नहीं मिलते, वो भी ब्रांडेड, यानी कि हमारे पास इंटरनेशनली ब्रांडेड जो है कीबोर्ड हमें मिल रहा है। और जहाँ तक बात है कीबोर्ड के साथ साथ माउस की, तो माउस जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन है 6 बटनों वाले, जबकि पाकिस्तान में इस माउस की लगभग 1200 या इस तरह 1100 रुपये प्राइस है इस लॉकडाउन सिचुएशन में, बट हमें जो कॉम्बो मिल रहा है वो काफ़ी बेस्ट प्राइस में मिल रहा है। सो सारी जितनी भी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इजीली बाय कर सकते हो। banggood.com जो है आपको क्वारंटीन में या लॉकडाउन में भी काफ़ी अच्छी जो है अपनी डिलीवरी प्रोसेस जो है उनका वो चलता रहेगा, और कस्टम वगैरह में भी फंसने की वो टेंशन नहीं लेनी, जस्ट ऑर्डर लगाना है एंड विद इन फ्यू डेज आपका जो है पार्सल आपको मिल जाएगा।